पाचन शक्ति बढ़ाता है, त्वचा की कोमलता और वजन संतुलित करने में भी यह रामबाण है। भोरे बासी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हमें हमारी युवा पीढ़ी को अपने आहार और संस्कृति के प्रति गौरव का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि 1 मई को हम सब छत्तीसगढ़िया बोरे बासी के साथ आमा के अथान और गोंदली के साथ हर घर में बोरे बासी खाएं और अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व महसूस। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप सब जन जाना होगा आज 1 मई श्रमिक दिवस। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार माननीय भूपेश बघेल जी जो कि हमारे कका है वो हमारे बताए कि 1 मई में श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में हमारा खाना है बोरे बासी। देख सका था बोरे बासी माँ का जब प्रकार के प्रोटीन विटामिन भरे पड़े वगैरह भी हमारा खाए बस बोले है। तो सब झनला खाना है दोस्तों, मैं खा था तो दिखा मोर बोरे बासी माँ काका बोरे बासी के साथ काका खा था तो दिखा रहा दोस्तों। फुल मजे से खा दोस्तों क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया तब बासी है दोस्तों। छत्तीसगढ़िया मन में गजब के खाना है और हमारे संस्कृति को बनाए रखना है दोस्तों। देख सकत है मोर बासी ये गोंदली ये पताल चटनी वे है आलू और गोभी साग। तो देखा दोस्तों मोक इतके छे अभी इतकेच में मैं बासी खावा था उसने तो मन आमा चटनी पताल चटनी गोंदली के संग मस्त बासी खावा भाजी के संग। नमक डाल दोस्तों, नमक संगवारी नमक ही डालेंगे बाकी नमक डाल के खाते निकाले बोरे बासी संग मा खावा तो लाओ पताल चटनी पताल चटनी मजे से जय जोहार छत्तीसगढ़ यही तक चला बाद में आता है। त्वचा की कोमलता और वजन संतुलित करने में भी यह रामबाण है। भोरे बासी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हमें हमारी युवा पीढ़ी को अपने आहार और संस्कृति के प्रति गौरव का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 1 मई को हम सब छत्तीसगढ़िया बोरे बासी के साथ आमा के अथान और गोंदली के साथ हर घर में बोरे बासी खाएं और अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व महसूस करें।